हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं बबीता आप सभी का स्वागत करती हूं। तो देखिए, आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आ चुके हैं हम मम्मी के घर। तो यहां पर सबसे पहले मैं बड़े भाई को राखी बांधूंगी। भाई मेरे दोनों बड़े हैं, तो सबसे पहले मैं बड़े भाई को राखी बांधने वाली हूँ। तो देखिए, आज जो राखी का त्यौहार है वो दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुआ था, जो शुभ मुहूर्त था। तो हमने 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी है। शुभ मुहूर्त का इंतजार किया था, तो 1:30 बजे से बाद में हमने राखी बांधी है और 9:30 बजे तक राखी बांधने वाली हैं। तो यहाँ पर तिलक कर दिया है मैंने। अच्छी तरह से देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, बहुत शुभ माना जाता है। बहुत भाई बहन का जो प्यार होता है, बहुत दिनों से जो बहनें अपनी मायके नहीं जा पाती या भाई अपनी बहन के घर ना जा पाते, मतलब दोनों बहुत दिनों के बाद अगर बाहर भी होते हैं तो दोनों का देखिए मिलाप हो जाता है इस बहाने से, त्यौहार के बहाने से, भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो। तो यहाँ पर मैंने जो बड़े भाई से छोटे भाई हैं मेरे से बड़े हैं ये, उनको भी मैंने राखी बांध दी है। तो देखिए, पीछे देखिए मम्मी खड़ी हैं, बहुत टाइम से खड़ी हैं, बहुत खुश हैं और ये देख रही हैं हमें राखी बांधते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो बांध दिया मैंने दोनों भाइयों की राखी और भाभी के भी बांध देती हूँ अब मैं, ये बड़ी भाभी हैं। अब छोटी भाभी के भी राखी बांध देती हूँ। तो देखिए, हम दोनों जो हैं बिल्कुल सेम हैं, राखी बांध दी है और जल्दी से ये भी जाने वाले हैं क्योंकि मेरे इंतजार में बैठे थे राखी बंधवाने के लिए। अब जो है हमारी जो बच्चा पार्टी है उसकी रक्षाबंधन होगी। तो देखिए, यहाँ पर दोनों बच्चों को मेरे बेटी राखी बांध रही है, तिलक लगा रही है, दोनों सेम कपड़ों में बैठे हैं। यहाँ देखिए, छोटे वाले को तो बहुत देर से इंतजार है कि राखी नहीं बंध रही और रसगुल्ले खाने हैं, इनको तो ब्राउन कलर के काले वाले रसगुल्ले ही खाने हैं। तो यहाँ पर इनका भी हो चुका है तिलक। तो आज हम रक्षाबंधन नानी के घर ही मनाने वाले हैं सभी लोग, क्योंकि थोड़ा सा ये है टाइम की प्रॉब्लम थी, पूरे दिन का त्यौहार नहीं था, केवल दोपहर से बाद का ही त्यौहार था। तो परेशानी हो जाती है, घर पर हम प्रोग्राम करते तो उधर भी जाना होता, सभी को जाना होता है अपने अपने यहाँ पर। तो हमने सोचा हम आप इस समय का जो रक्षाबंधन है तो बच्चों की नानी के घर पर ही मना लेंगे सब, उसके बाद हम घर के लिए आएंगे। देखिए, बच्चों का भी हो चुका है, बेटी ने भी कर दिया है। यहाँ पर जो भी इनकी सिस्टर हैं वो इनको बाद में तिलक करेंगी। तो देखिए, ये जेब खोली जा रही है, जेबों में से पैसे निकल रहे हैं बच्चों के, बहुत खुश है। इस छोटे बच्चे को हमने जेब में दे दिए थे पैसे रखने के लिए, तो आज बहुत खुश है वो, अपने आप से ही उसने पैसे निकाल के दिए हैं। यहाँ पर जो मामा की बेटियाँ हैं वो थोड़ा इनको राखियों की बांधेंगी। तो बहुत सारी राखी हो गई, बाबू बहुत खुश था कि बहुत सारी राखी बनने वाली हैं आज। बाबू बहुत खुश है। तो देखिए, अब तक की उसकी 8 राखी हो चुकी हैं, काउंटिंग करके बता रहा है कि मेरे पास सबसे ज्यादा राखी हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर पक्की वाली काउंटिंग चल रही है, बाबू गिन रहा है कि सबसे ज्यादा मेरी राखी है, बहुत खुश है वो। आ चुके हैं हम अपने घर पर। तो देखिए, आप सभी को तो पता ही है हमारे घर का लोकेशन है ये। हमारे घर पर भी बच्चों की दोनों बुआ आई हुई हैं, तो दोनों तिलक करके राखी बांधेंगी। देखिए, बाबू बहुत ध्यान से देख रहा है बुआ को राखी बांधते हुए। तो यहाँ पर राखी बांध रही हैं बच्चों की बड़ी बुआ। देखिए, व्हाइट रसगुल्ला नहीं खाना है, सिर्फ खाना है तो ब्राउन कलर का ही रस।
रसगुल्ला खाना है, क्योंकि वाइट रसगुल्ले पसंद नहीं है, ओनली ब्राउन कलर। तो यहाँ पर बच्चों की छोटी बुआ राखी बांधेंगी। यहाँ पर नंबर आ चुका है हमारा भी। तो देखिए मैं भी राखी बंधवा रही हूँ, थोड़ा पर्दा पड़ता है, हल्की सी मेहमान बैठे हैं तो बहुत हिसाब से बैठना पड़ता है, थोड़ा सा घूंघट निकालना भी पड़ जाता है क्योंकि बड़े हैं, तो बड़ों से थोड़ा सा पर्दा करती हूँ, तो इसलिए। देखिए यहाँ पर कुर्ता चेंज हो चुका है, दूसरे कपड़े पहन लिए हैं, बस थोड़ी देर के लिए ही कुर्ता बना था ये।